नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। अंबाला के एक होटल में आधी रात को पार्टी चल रही थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर होटल में दबिश दी गई। वहां रेव पार्टी चल रही थी और पुलिस को देखते ही देखते पार्टी में मौजूद हर शख्स की के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तेज संगीत, बिना लय ताल के थिरकते नौजवान, नीम रोशनी में लहराते और एक दूसरे से टकराते जिस्म, हर तरफ धुआं ही धुआं, फिजा में तैरती तीखी गंध। आधी रात को जब पुलिस की टीम होटल पहुंची तो अंबाला के शंघाई होटल में कुछ इसी तरह का नजारा था। कुछ युवा जाम से जाम टकरा रहे थे तो कुछ हुक्का पी रहे थे, लेकिन इनकी मस्ती में पुलिस का खलल पड़ा तो जल्द ही सबका नशा काफूर हो गया। मीडिया के कैमरों से बचने के लिए पार्टी में मौजूद जिसे जो मिला वो उसी से मुंह छिपाने लगा। पार्टी कर रही ज्यादातर लड़कियां काफी कम उम्र की नजर आईं। जो आई तो थी कुछ पल की मौज मस्ती के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पकड़े गए युवकों में से कुछ ने भागने की कोशिश की तो कुछ ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। सूत्रों से हमें पता चला था कि कोई यहाँ रेप पार्टी चल रही है, उसमें हम इधर आए थे तो कुछ लड़के और लड़कियां हमारे को मिले हैं जो डांस वगैरह कर रहे थे और इनके हाथ में सभी के हाथ में ड्रिंक्स थी और हुक्का पी रहे थे ये सभी। इस दौरान होटल पहुंचे होटल मालिक मीडिया को समझाने लग गए कि ये रेव पार्टी नहीं बल्कि थीम पार्टी है और ये सभी लड़के लड़कियां आपस में रिश्तेदार हैं। अगर ऐसा था तो पुलिस को देखकर ये लोग चेहरा क्यों छुपाने लगे, ये बात समझ से परे है। आप देख लीजिए ना, आपके सामने अगर कोई चीज गलत है देन देयर इज अ, आप जो जो साफ कर देंगे, जो निष्पक्ष जांच है, अगर कोई दिक्कत है तो देन वी आर नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुलिस पार्टी में मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, साथ ही होटल के कर्मचारियों को भी हिरासत में ले लिया। शंघाई नाम का होटल है, इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी चल रही है नाच गाने से संबंधित, तो हमने मौके पे लेडीज पुलिस और कंसर्न एसएचओज और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर मौके पर हम आए हैं। हमने चेकिंग की है, कुछ लड़कियाँ मिली हैं, बट जो लड़के मिले हैं वो लोकल हैं। इनका कहना है कि ये अपनी पार्टी करने आए हुए थे, बैचलर पार्टी, तो अभी इन सबसे पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्तार सभी लड़के लड़कियाँ बेहद अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला के मशहूर शंघाई होटल में अक्सर लोग पार्टी किया करते हैं, लेकिन छापेमारी के दौरान इस होटल में होने वाली पार्टियों का सच सामने आया है। रेव पार्टी का असली सच क्या है, ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। हालांकि बीते कुछ सालों में पंजाब के अलावा दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टी के आयोजन के भंडाफोड़ के बाद भी इन हाई प्रोफाइल पार्टियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। नामी होटलों और फार्म हाउस में धड़ल्ले से इसका आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए सोशल साइट के जरिए युवाओं को बुलाया जाता है जिसमें मोटी फीस वसूली जाती है। साफ है सरकार भी इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। कमल मिद्दा, अंबाला, IBN 7। अंबाला से आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां JNU कांड के बाद एक अलग तरह की सियासत जारी है। इस सियासत का शिकार हुए वो पत्रकार जो किसी की तरफ नहीं थे, बस अपना काम कर रहे थे। देशद्रोही बनाम देशभक्त की इस लड़ाई के बीच आज पत्रकार बिरादरी ने मार्च निकाला और वकीलों की इस हरकत के खिलाफ विरोध जाहिर किया। ये दो तस्वीरें JNU कांड के बाद गर्माते माहौल को बयां कर रही हैं। एक तरफ हैं वो पत्रकार जो अपने साथियों की पिटाई के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ JNU के खिलाफ नारेबाजी करने वाला बजरंग दल। IBN 7 के पत्रकार अमित पांडे समेत कुछ मीडिया कर्मियों को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर खुद को देशभक्त कहने वाले कुछ वकीलों ने सोमवार को तब पीटा था जब वो JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी कवर कर रहे थे। देखिए किस तरह से कहर बरपाया काले कोट वाले वकीलों ने। इसी के खिलाफ पूरी पत्रकार बिरादरी ने मार्च कर एकजुटता दिखाई। कल तो हद हो गई, जब कोर्ट के परिसर में जहां न्याय होता है वहां पर पत्रकारों का गला दबाया जा रहा है, पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। और हास्यास्पद स्थिति देखिए, बगल वाले कोर्ट रूम में देश का सूचना प्रसारण मंत्री मौजूद है। हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम ना पसंद है, आप बहिष्कार कीजिए, चैनल मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, पर ये क्या होता है कि आप हमला करते हैं पत्रकारों पर। पत्रकारों का आक्रोश बेवजह नहीं है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस कहाँ थी, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका है। आरोप है कि जिस वक्त वकील पत्रकारों को पीट रहे थे उस वक्त पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही थी। आरोप है कि कुछ पत्रकारों का मोबाइल फोन छीन लिया गया और कुछ एक का तोड़ दिया गया।
पत्रकारों की पिटाई के मामले में तस्वीरों में दिखने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस कमिश्नर साहब तो बाकायदा कैमरे पर ये कह रहे हैं कि नामजद FIR नहीं हो सकती। एक तो होता है कि भाई मिस्टर एक्स ने भी इस काम को देखा या मिस्टर एक्स की रैली थी। अब नाम FIR में तो कई लोगों का हो सकता है, नाम नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होता है कि क्या उसके ऊपर क्राइम इम्प्यूट किया गया है। इस बीच पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने इस घटना को दुखद बताया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यकीनन इस मामले की जांच भी होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी वादा किया गया है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर पत्रकारों को अपना कर्तव्य निभाने की सजा क्यों दी गई? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से हमला किया जाएगा? ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है जिसमें वकील पत्रकारों को निशाना बनाने में अपनी देशभक्ति समझते हैं? अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। देश के 8 अलग अलग राज्यों में 12 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। उत्तर प्रदेश को अगर ध्यान से देखें तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा में के चुनाव हुए थे और इनमें सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें गंवानी पड़ी हैं और समाजवादी पार्टी से ये सीटें छीनी है एक बीजेपी ने और एक कांग्रेस ने। बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों पर हो रहा ये जश्न यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे दोनों ही सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन विधायकों के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जहां मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने जीत ली तो वहीं देवबंद की सीट कांग्रेस के माविया अली ने। कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के गौरव को हराया जबकि माविया अली ने BSP के बीना राणा को। समाजवादी पार्टी सिर्फ फैजाबाद की बीकापुर सीट बचा पाई जबकि यूपी चुनाव में पहली बार उतरी MIM ने चौंकाने वाले नतीजे दिए। बीकापुर में उसके प्रत्याशी प्रदीप कोरी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। प्रदीप को बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले। इस चुनाव में BSP ने खुद को अलग रखा था। BSP पहले भी विधानसभा उपचुनाव से खुद को अलग रखती रही है। ऐसे में चुनावी नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों ने यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी नतीजों की समीक्षा कर रही है। मुजफ्फरनगर की सीट पर जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी है और उससे सीट छीनी है। देवबंद में मालविया अली की जीत सांप्रदायिक आधार पर अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का परिणाम। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट कांग्रेस हैज वन द देवबंद सीट इन सहारनपुर एंड वी कांग्रेचुलेट ऑल आवर वर्कर्स एंड स्पेशली द कैंडिडेट। इसकी हम लोग चिंता है और उससे समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी पंचायत के चुनाव में जिस तरह हम लोग जीते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश की जनता का कोई संदेश इन चुनाव से जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। पंचायत चुनाव जीते हैं, MLC के चुनाव होने जा रहे हैं, हम जीतेंगे। यूपी में 2017 के चुनाव करीब आ गए हैं, पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। BSP ने तो ज्यादातर इलाकों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा झटका है तो समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां उसने अपनी 2 सीटें गंवाई हैं तो वहीं तीसरी सीट भी बेहद नजदीकी मुकाबले में ही जीत पाई है। शलभमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। अब आपको मिलाते हैं हरियाणा के खास मंत्री से जो पहले भी अपनी जुबान को लेकर कई बार विवादों में रह चुके हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने एक मीटिंग के दौरान नगर निगम के इंजीनियर को गाली दे डाली। माफ करिएगा, मनोहर लाल खट्टर के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का पूरा बयान हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन इतना जान लीजिए बेदी साहब ने जो कुछ भी बोला है वो समाज, सिस्टम और सियासत को शर्मसार कर देने वाला है। यमुनानगर में बैठक कष्ट निवारण समिति की थी, बात पार्कों में कब्जे की उठी तो मंत्री जी भड़क उठे। डिप्लोमा
जिम्मेदारों वाली बात कर रहा है, उसकी मेजरमेंट मैं पूछ रहा हूँ। ये तो जिम्मेदार आदमी ऐसे नहीं करता, सीधी बात कर रहे हैं, लाठियों का कर दिया जैसे कोई। अब इंजीनियर हो, टेक्निकल बात करो। और ऐसे भड़के कि इंजीनियर को गाली दे बैठे। मंत्री जी ने भरी महफिल में एक इंजीनियर को गाली दे डाली, और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें ना अपनी गलती का एहसास हुआ और ना ही कोई पछतावा। इस मीटिंग के दौरान आपके मुंह से गाली निकली। कौन सी गाली? अब मैं तो वो रिपीट कर नहीं सकता, लेकिन गाली निकली है हमारे कैमरे में। जब तीन तीन प्लॉट पार्क के अंदर कब्जे की बात हो रही थी तो आपके मुँह से गाली निकली। ध्यान नहीं ऐसी आपके ध्यान। ये मनोहर लाल खट्टर के वो रत्न है जो अक्सर विवादों में ही रहते हैं। अब अगर ये ऐसे ही नुमाइंदगी करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा किस राह पर जाएगा। कृष्ण बेदी की जुबान फिसलने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि उन्हें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं, भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए, उसमें बात कहनी चाहिए। ठीक है कि कुछ अधिकारी ठीक ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो बतौर मंत्री उनको गलत भी लगा होगा, लेकिन उनको भाषा की मर्यादा को रखना चाहिए। साफ है कि अगर इन बेलगाम मंत्रियों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो ये वक्त बेवक्त मुख्यमंत्री के सुशासन के दावे की बखिया उधेड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खुद को चालाक समझने वाली बिल्ली कब दबे पांव आकर किचन में रखा दूध चट कर जाती है, किसी को पता नहीं चलता। दूध पीने गई बिल्ली की कैसे जान पर बनाई, देखिए। घर वालों से नजर बचाकर दूध चट कर जाने की बिल्ली की कहानियां आपने काफी सुनी होंगी। बिल्ली का दूध और मलाई प्रेम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि समझदार की सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। राजस्थान के दौसा में एक बिल्ली को दूध लालच बेहद भारी पड़ा। उसकी जान पर बनाई। दरअसल दूध के चक्कर में बिल्ली ने जैसे ही लोटे में मुंह डाला, उसका मुंह लोटे में फंस गया। लोटे से मुंह निकालने के लिए बेचैन बिल्ली कभी आगे जाती तो कभी पीछे। लाख कोशिशों के बावजूद बिल्ली लोटे से अपना मुंह नहीं निकाल सकी। घर में मौजूद बच्चों के लिए यह किसी खेल जैसा था। बाद में लोगों ने बिल्ली को पकड़कर लोटा निकाला, तब जाकर बिल्ली ने राहत की सांस ली। शायद इस घटना के बाद सयानी बिल्ली ने भविष्य में दूध के लालच से तौबा करने का फैसला लिया होगा।